हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? करियर गाइडेंस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका है FST 01 का। ये आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स है जो कि बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट के लिए होता है। अनिवार्य ये होता है सबके लिए लेना। तो चलिए आज इसमें हम देख लेते हैं आपका। इसके पहले की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, यदि आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं लिंक दे दूंगी, साथ ही साथ में जो आप वीडियो देखेंगे तो ऊपर आइकॉन में भी सभी के लिस्ट आ जाएंगे नेम, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आज हम इसमें ले लेते हैं लेसन 12 से 20 तक, यानी कि लेसन जो आपका चैप्टर 12 है, 12 से लेकर के 20 तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं ताकि आपका कोर्स जल्दी से कवर हो जाए। और जो एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट लगेंगे वही हम लेके आएंगे। पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं, ले लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आपका, क्योंकि आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स ही दिया हुआ है, लेकिन एमसीक्यू कैसे पूछा जाएगा वो हम आपको बताते ही हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और ये जैसे कि आपका पीडीएफ है और नीचे देखिए यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे से पहला क्वेश्चन आपका है कि हमारे देश के प्रमुख शुष्क क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और लद्दाख तक फैले हैं, तो इनका क्षेत्रफल आपको बताना है कितने वर्ग किलोमीटर है। शुष्क क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक लद्दाख के शुष्क क्षेत्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब यदि आप देखिए तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा 4 लाख, ठीक है ना। 4 लाख किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं, वर्ग किलोमीटर तक फैले हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि लद्दाख में डैश का पालन फायदेमंद हो सकता है, जिसके बालों की मांग साल और पहनने के वस्त्र बनाने के लिए बहुत अधिक है। तो सीधी सी बात है कि जो लद्दाख में है तो क्या होता है, पाश्मीना बकरियां पाली जाती हैं, क्योंकि वहां पे इससे पाश्मीना साले बनाई जाती है, ठीक है ना। तो लद्दाख में पाश्मीना बकरियों का पालन फायदेमंद हो सकता है और जिसके बालों की मांग जो है साल और पहनने के वस्त्र बनाने के लिए बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे देश में डैश एक ही मात्र ऐसी जगह है जहाँ दो कुहान वाले बैक्ट्रियन ऊंट पाए जाते हैं। तो देखिए ये लद्दाख है, ठीक है ना। सूखी भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भोजन का लगभग 10% भाग इनसे मिलता है। तो देखिए सूखी भूमि जो हमारे लिए है महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भोजन का 42% जो होता है भाग इनसे ही मिलता है। हमारी खेती की जमीनों का लगभग 10% हिस्सा सूखी भूमि का है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो ये बताना है कि खेती की जमीनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग सूखी भूमि का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 74%, 74% भाग है वो सूखी खेती का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हमारे देश के पहाड़ी प्रदेशों में या फिर पहाड़ी प्रदेशों में जनजातियां खेती करने के एक पुराने तरीके को अभी भी बनाए हुए हैं, वो तरीका कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन बना सकता है कि काटो और जलाओ या पोड़ू खेती किसे कहते हैं, ठीक है ना, किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम खेती, ठीक है ना। हमारे देश के पहाड़ी प्रदेशों में जनजातियां खेती करने के एक पुराने तरीके को अभी भी बनाए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिस जमीन पर एक बार झूम खेती कर ली जाती है लगभग डैश में उसी उपजाऊ शक्ति समान हो जाती है, ठीक है, और वहां फिर से पहाड़ियां झाड़ियां उगाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 5 वर्ष में जिस जमीन पर एक बार झूम खेती कर ली जाती है तो लगभग 5 वर्ष में उसकी उपजाऊ जो शक्ति होती है वो सामान्य हो जाती है और वहां फिर से झाड़ियां उग आती हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर, 5 वर्ष हो जाएगा। 1968 से हुए इस अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप बैक्टीरिया म्यूटिका यानी जो परा घास होती है और पैनिकम एंटीटोलम यानी जो लिनोम घास होती है और साइनोडान डेक्टिलान यानी जो दूब होती है जैसे चारा घास हो और प्रोसोपिस चिलेमसिन ओके और भी देख लेते हैं यानी बिलायती खजूरी, आकेसिया निलोटिका यानी कीकर और संकर यानी यूकेलिप्टिस सफेदा जैसे पेड़ों की जातियों की खेती से अब डैश का सुधार करना संभव है। तो किसका, क्षारी मिट्टी का सुधार करना संभव है, क्षारी मिट्टी में ये पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है, और उनके क्षारीपन को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1950 के दशक के बीच में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि एशिया और अफ्रीका के किसान 1 क्विंटल अनाज पैदा करने के लिए औसतन डैश से डैश लेकर दिन तक का समय लगाते थे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि 1950 के दशक के बीच अध्ययन से पता चलता है कि एशिया और अफ्रीका किसान कितने क्विंटल अनाज पैदा कर लेते थे 1 दिन का समय लेकर, तो वो हो जाएगा 2.5 से 10 यानी कि 2.5 से लेकर के 10 दिन तक का समय लगाते थे, ठीक है,
किसान 1 क्विंटल अनाज पैदा करने में। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक किसान 1 किलोग्राम गोमांस प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए डैश कैलोरी ऊर्जा और 1 किलोग्राम गेहूं की प्रोटीन के उत्पादन के लिए डैश कैलोरी ऊर्जा खपत करता है। तो देखिए सीधी सी बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक किसान होता है 1 किलोग्राम गोमांस प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए वो 65,000 किलो और यहीं पे 1 किलोग्राम गेहूं की प्रोटीन के उत्पादन के लिए 2,860 किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च करता है। ओके, प्रत्येक हेक्टेयर जमीन के ऊपर लगभग वायुमंडल और डैश लगभग नाइट्रोजन। अब आपको बताना है कि वायुमंडल में कितने परसेंट क्या है, वायुमंडल में लगभग कितने परसेंट जो है नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हेक्टेयर की बात चल रही है तो वायुमंडल में यहाँ पे 87,000 टन और लगभग 70% जो होती नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो प्रत्येक हेक्टेयर जमीन के ऊपर लगभग वायुमंडल 87,000 और लगभग 70% नाइट्रोजन होती है जिसकी पौधों को जरूरत होती है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेसन हम ले लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूमि का लगभग कितने परसेंट हिस्सा कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा और वहाँ पे आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए 44% जो हिस्सा होता है कृषि कार्यों के लिए यूज किया जाता है। हमारी भूमि का यानी क्वेश्चन बन जाएगा कि भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग बंजर है और जिसका अर्थ है कि फसल उगाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो 14% भाग जो है क्या है, बंजर है। और जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्रों के शहरों में निवास करता है। 4 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि 24% भाग जो होता है नगरीय क्षेत्रों शहरों में रहता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन आपके हैं। संसाधनों के अपशिष्टों को फिर से उपयोग करने योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें आपको करना होगा पुनःचक्रीकरण। किसी भी चीज को पुनः उपयोग करने के लिए यानी एक बार नष्ट हो जाए फिर दोबारा उसको उपयोग किया जाए तो उसको पुनःचक्रीकरण कहते हैं। जापान में योकोहामा की एक फैक्ट्री इसका एक अच्छा उदाहरण है जिसमें रद्दी पेपर को डैश में बदला जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जापान में एक योकोहामा नाम की फैक्ट्री है जहां पे रद्दी पेपरों को बदला जाता है तो किस रूप में बदला जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे टॉयलेट पेपर में बदला जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये लेसन के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लोरीन की उपयुक्त मात्रा में जल के उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्लोरीनीकरण कहा जाता है। प्राकृतिक वनों की अपेक्षा रोपित वनों की उत्पादकता अधिक पाई गई है। अच्छी प्रकार से सींचे गए वृक्षों के फॉर्म की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष बढ़ जा सकती है। तो यहाँ पे हो जाए कितने हेक्टेयर बढ़ जाती है, तो 45 टन हेक्टेयर बढ़ जाती है प्रतिवर्ष जहाँ पे अच्छी सिंचाई होती है। ओके, चलिए और भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये जो क्वेश्चन आपके हैं वो 12 से लेकर 20 लेसन के हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए अब आगे ले लेते हैं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक डे से विश्वास था कि सभी जीव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए आवश्यकता अनुसार अपने अंगों का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये किसका कथन है कि सभी जीव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए आवश्यकता अनुसार अपने अंगों का इस्तेमाल करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा लामार्क का कथन था। लामार्क कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वो फ्रांसीसी प्रकृति यानी कि आप कह सकते हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन डैश ने अपनी विशिष्ट पुस्तक डैश में जीवन विकास की व्याख्या की, जैविक विकास की व्याख्या की। ओके, सॉरी, तो उस पुस्तक का आपको नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा द आर्यन ऑफ स्पीसीज, यानी कि द आर्यन ऑफ स्पीसीज के राइटर कौन है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो वो है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वैज्ञानिक है, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक यानी ब्रिटेन के वैज्ञानिक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सर भी याद रखिएगा 1859 में उन्होंने इसका पब्लिकेशन किया था, द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है क्योंकि आप पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, जीव उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं और चार्ल्स डार्विन का नाम ना आए, आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये हो नहीं सकता। विकास की क्रियाविधि को समझने के लिए डैश डार्विन की महान देन थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्राकृतिक वरण सिद्धांत यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि डार्विन ने विकास की क्रियाविधि को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था, तो प्राकृतिक वरण सिद्धांत का नाम उन्होंने दिया था, एक विकास सिद्धांत
का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना, किसने? डार्विन ने। या प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। इसी तरह के क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। ओके, मानव जंतुओं के उस समूह से संबंधित है जिसे कहा जाता है, तो मानव जंतुओं के किस समूह से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनपाई। ठीक है, चलिए और भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर्डर के सदस्य जो अब मानव, बंदर और कपि आदि हैं, विकास की प्राकृतिक अवस्था में निशाचर थे, अर्थात वे रात के समय क्रियाशील होते थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वे सदस्य जो मानव, बंदर और कपि आदि हुआ करते थे और विकास की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें निशाचर होते थे और रात के समय वो क्रियाशील होते थे और दिन में वो सोते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्राइमेट कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? प्राइमेट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रारंभिक मानव होमोनिड के जो अवशेष हैं के दो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक जो मानव होमोनिड थे, ठीक है ना, हमने पढ़ा भी है प्रारंभिक मानव कौन थे, तो होमोनिड थे, उनके अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो पूर्वी अफ्रीका से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? पूर्वी अफ्रीका से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि जीवाश्म में कुछ लक्षण ऐसे थे जिन्हें उन्हें सुनिश्चित रूप से मानव का पूर्वज माना जा सकता है। तो जो जीवाश्म थे कुछ ऐसे लक्षण थे जिनसे उन्हें सुनिश्चित रूप से मानव का पूर्वज माना जा सकता है, तो होमोनिड, ठीक है, जो होमोनिड जीवाश्म थे उसमें कुछ ऐसे लक्षण मिले थे कि जिन्हें उन्हें मानव का पूर्वज माना जा सकता है। तो मानव का पूर्वज किन्हें माना जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो होमोनिड को, ठीक है। 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में कई होमोनिड रहते थे, उनमें से एक था। तो 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में जो होमोनिड रहते थे उनमें से एक क्या था? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में होमोनिड रहते थे, ठीक है, उनमें से एक था, होमोनिड में से। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। होमो इरेक्टस जो था, अर्थात सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव का लगभग पहले विकास हुआ था, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो होमो इरेक्टस थे जो सीधे खड़े होकर चलते थे उनका विकास कितने सौ साल या कितने वर्ष पहले हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 लाख वर्ष पहले हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, वो है कि आधुनिक मानव की संरचना में कुछ असाधारण विभिन्नताएँ थी, वो क्या थी? तो नियंडरथल मानव की जो विभिन्नताएँ थी, जो आधुनिक मानव थे, नियंडरथल और आधुनिक मानव की संरचना में कुछ विभिन्नताएँ थी, ठीक है। होमो पेशेंस के कई जीवाश्मों की खोज से ज्ञात होता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति डैश में हुई। यहाँ पे आपको बताना कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ठीक है ना, कि वे मध्य पूर्व के रास्ते से सारे संसार में फैल गए, तो अफ्रीका में हुई थी। और इस तरह से 12 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि लगभग डैश वर्ष पूर्व पाषाण युग का आधुनिक मानव आज के मानव से अधिक हष्टपुष्ट एवं मजबूत था, तो वो था 40,000। क्या हो जाएगा? 40,000। ओके, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, जिनको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कितने वर्ष पूर्व का जो पाषाण युग का आधुनिक मानव आज के मानव से अधिक हष्टपुष्ट है, तो 40,000 वर्ष पूर्व का जो पाषाण युग का मानव था, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सभी ये क्वेश्चन है। चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे पीडीएफ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप बहुत से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहाँ मिलेगा। देखिए, जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो जो एरो का एक निशान आपके जस्ट वीडियो के पास ही होता है, उसे आप जैसे ही टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है और वहाँ पे वीडियोज लिंक रहते हैं, ठीक है ना, जो ब्लू कलर से आपको दिखाई देंगे, तो उसे आप टच करेंगे तो आपको वो जो पीडीएफ है डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा देगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। और किसने अपनी प्रवीणता और प्रायोगिक क्षमता के आधार पर स्वतः जनन के सिद्धांत को गलत साबित किया था? तो लुई पाश्चर ने अपनी प्रवीणता और प्रायोगिक क्षमता के आधार पर स्वतः जनन के सिद्धांत को गलत साबित किया था, ठीक है ना। सोवियत जैव रसायनज्ञ अपेरियन और ब्रिटिश जैव वैज्ञानिक जो हाल्डेन थे, उन्होंने क्या बताया कि जीव जड़ पदार्थों के डैश से उपजा है, यानी जीव जड़ पदार्थों के किससे उपजा हुआ है? तो कार्बनिक अणुओं से उपजा हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेसन के। खूमियों तथा एक कोशिश जो है कवक वर्ग के सदस्य हैं। अधिकांश पौधों में एक हरा पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जो डैश होता है, जो अपने स्वयं भोजन बनाने में मदद करता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे कि हो जाएगा कि पौधे ऐसे बहुकोशिकी जीव हैं, तो पौधे कौन से कोशिकी जीव हैं? तो बहुकोशिकी जीव हैं, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है, एक कोशिकी बहुकोशिकी
द्विकोशिकी, तो यहाँ पे बहुकोशिकी जीव है जो अपना भोजन डैश की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो पौधे जो है अपना जो भोजन है किसकी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, जो पौधों पर निर्भर होते हैं। सभी जीवों में स्वयं को वातावरण के अनुकूल नियंत्रित करने की एक अनोखी क्षमता होती है और बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तनों के बावजूद ही अपने सामान्य वाय और आंतरिक स्वरूपों को बनाए रखते हैं और इस स्थायित्व की स्थिति जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए समस्थापन कहते हैं, यानी वातावरण के साथ समायोजन बना लेना, उसी के हिसाब से ढल जाना, ठीक है ना, समस्थापन। गर्मियों में अधिक पसीने के कारण यदि शरीर से पानी की अधिक हानि होती है तो रक्त में पानी की कमी हो जाती है और उसकी डैश में परिवर्तन हो जाता है तो सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। और अलैंगिक प्रजनन केवल निम्नतर जंतुओं में तथा कुछ तरह के पौधों में, जिस तरह से जंतुओं में लैंगिक प्रजनन होता है उसी तरह से वनस्पति में भी होता है, बागवानी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विकास व्यक्तिगत परिवर्तनों पर निर्भर होता है और ये जो परिवर्तन होते हैं और वातावरण में पारस्परिक क्रिया के कारण होते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अनुवांशिकता के कारण होते हैं, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीव विकास व्यक्तिगत परिवर्तनों पर निर्भर होता है, तो वो कौन से परिवर्तन होते हैं जो वातावरण, और जरूरी नहीं कि यहाँ पे वातावरण है, ठीक है ना, यहाँ वातावरण भी नहीं देगा, आपको पूछ लेगा कि जीव विकास व्यक्तिगत परिवर्तनों पर निर्भर होता है और जो पारस्परिक क्रिया के कारण होते हैं, तो ऑप्शन में फिर सिर्फ वातावरण भी हो सकता है और अनुवांशिकता भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ओके। अधिकांश पौधे और जंतु के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, किसके द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, पौधे और जंतु। और यहाँ पे है कि बूढ़ा होने की प्रक्रिया अथवा शरीर की कोशिकाओं और अंगों की संरचना तथा कार्य में लगातार क्षीणता आने की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, देखिए तो काल प्रभावन है और एक जीवन काल में करोड़ों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और डैश की प्रक्रिया से नई कोशिकाएं स्थान ले लेती, तो कोशिका विभाजन कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आपके लेसन 12 से 20 तक में लिए हैं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 12 से 20 लेसन का हमने एमसीक्यू आपको कवर करा दिया है, तो 100% 5 या 6 एमसीक्यू तो इससे आएंगे ही आएंगे, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।